सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम। आज साथियों मैं आपके लिए एक सबसे बड़ी जानकारी लेकर आया हूँ। यह जानकारी उज्जैन के एसपी मनोज कुमार सिंह जी से संबंधित है। उज्जैन के एसपी मनोज कुमार सिंह जी के खिलाफ भीम आर्मी किस दिन और कब और कहां पर करेगी विशाल धरना प्रदर्शन, ये सब आपको मैं बताऊंगा। और हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए जुड़ने वाले भीम आर्मी मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी सुनील अस्ते, वो हमको पूरी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कहां पर और कब और क्यों विरोध प्रदर्शन व यानी धरना प्रदर्शन करने वाली है उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह जी के खिलाफ। भीम आर्मी क्यों विरोध या विरोध धरना प्रदर्शन करने वाली है, तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश प्रभारी भीम आर्मी के मध्य प्रदेश से सुनील अस्ते जी, वो हमको आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि बहुजन समाज से जुड़ी खबर आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहेगी। और आप अपने चैनल को मजबूत बनाना चाहते हो तो नीले रंग के ज्वाइन बटन को दबाकर चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि ये चैनल मजबूत तरीके से बहुजन समाज की आवाज़ निरंतर तरीके से उठाता रहेगा। तो साथियों सुनते हैं आखिर क्या कुछ कहते हैं भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश प्रभारी सुनील अस्ते जी मध्य प्रदेश से। तो साथियों सुनते हैं। हेलो हेलो, जय भीम सर। जय भीम, मध्य प्रदेश से सुनील अस्ते बोल रहे हो? हाँ सर, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ा वहाँ का आप किस पर्स को भीम आर्मी वालों का दीजिए। मैं सुनील अस्ते भीम आर्मी पूर्व प्रदेश प्रभारी जी सर, हमें थोड़ी आपसे एक जानकारी चाहिए थी। अभी हमने आपकी पोस्टें देखी, बहुत ज्यादा शेयर हो रही है इस समय, जो कि आप उज्जैन एसपी हैं, जो कि मनोज कुमार सिंह, उनके विरुद्ध एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हो, क्या ये बात सच है? हाँ सच है, बात है जी। सर आपको ये कदम क्यों उठाना पड़ रहा है, थोड़ा बताइएगा हमें। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने पूरे संभाग में ज्ञापन दिलवा दिए जी सर, ठीक है जी। और जो सरकार है, तानाशाही सरकार है जी, सरकार हमारी मांग ये थी कि भाई जिन जिले जो एसपी मनोज कुमार साहब उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जय भीम करने से पुलिस कर्मियों को वायलेंस मना किया जी। और इसके बाद भी पुलिस कर्मी लगातार प्रेशर में है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई उच्च अधिकारी के ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो फिर वो बाद में जो निचले लेवल के अधिकारी होते हैं उनको सही से काम नहीं करना देता जी। जी सर, ज्यादा बात ना बढ़ाते हुए हम आपसे सीधा सवाल ये पूछेंगे कि आपने जो ज्ञापन दिए थे उन पर कोई सुनवाई ना होने के कारण आपको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है 3 जून को? बिल्कुल, ये पूरे देश के लिए धरना है, ये उज्जैन के लिए धरना नहीं है। तो देश में जितने भी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो अपने अपने विभाग में जॉब करते हैं, उनको जय भीम करने से मना किया जाता है, ये सबके लिए धरना है। और ये तो एक छोटे से शुरुआत है, ये प्रोटेस्ट आगे आप देखिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा कि इसका नाम इतिहास में दर्ज होगा जी। जी सर, हम आपसे छोटा सा एक और सवाल हमारा आखिरी ये रहेगा कि आप ये जो धरना प्रदर्शन है 3 जून को आप किस जगह पर करने वाले हो, ये बताइए थोड़ा। ये हम लोग उज्जैन में आईटी ऑफिस है जो देवास रोड पर है, तो वहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे 3 जून को बुधवार के दिन सुबह 11 बजे वहीं पर आईटी ऑफिस के सामने रोड पर जाम करके हम प्रोटेस्ट करेंगे हमारा। और ये हमारा रहेगा लगभग 1.5 से 2 घंटे का प्रोटेस्ट रहेगा हमारा। उसमें हम लोग सरकार जो आईजी साहब को बताएंगे कि एसपी साहब ने क्या किया है और आखिर हम लोग क्यों चाहते हैं, और अगर इसके बाद भी अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो फिर हम लोग फिर जो मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री साहब हैं नरोत्तम मिश्रा साहब जी, हम फिर उनके खिलाफ बिल्कुल फूकेंगे जी। सर हम आपसे लास्ट एक आखिरी सवाल रहेगा ये हमारा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे अगर आपका ये धरना प्रदर्शन सफल हुआ और फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या करोगे, ये हमारा लास्ट सवाल है आपसे। इसके बाद फिर हम लोग प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे जी सर, पूरे 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 प्रदेश के अंदर आंदोलन करेंगे हम लोग। और ये अकेला मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये आंदोलन उज्जैन के लिए नहीं है जी सर, ये आंदोलन पूरे देश में जितने भी जो ऐसे जातिवादी मानसिकता के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो हमारे लोगों को दबाते आ रहे हैं, ये उनके लिए है, ताकि हम लोग यहाँ से छोटी सी एक शुरुआत करें तो ये प्रोटेस्ट पूरे देश में पहुंचे। पता हुआ कि जय भीम उज्जैन पुलिस पूरे नेशनल ट्रेंड हुआ था और लगभग 15 घंटे तक नंबर 1 पर आया था, तो उसका ये बेनिफिट है जी सर। हम आपका इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए आपका बहुत